हरियाणा में चल रही राजनीतिक उथल पुथल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस से नाराज चल रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को रोहतक में रैली आयोजित करके कांग्रेस नेतृत्व को अपनी सियासी ताकत दिखाई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पहले वाली नहीं रही और अब भटक गई है। मैं यहां सारी चीजों से मुक्त होकर अपनी बात कहने आया हूं। हरियाणा में कांग्रेस से अलग होने का साफ संकेत देते हुए कहा कि आज खुद को अतीत से मुक्त करता हूं। मुझे नेताओं व रैली में मौजूद लोगों द्वारा कोई भी फैसला लेने का जो अधिकार दिया है उसके लिए मैं एक कमेटी का गठन करूंगा। कमेटी की सलाह पर इस बारे में कोई भी फैसला लूंगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस थोड़ी राह भटक गई है। रोहतक में आयोजित महापरिवर्तन रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज हर चीज से मुक्त होकर यहां आया हूं। मैं आज अतीत से मुक्त होकर इस मंच पर आया हूं। उन्होंने कहा, अपने परिवार की चार पीढ़ियों के पार्टी से जुड़ाव और इसके लिए योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि अब कांग्रेस पहले वाली नहीं रही। बता दें कि महापरिवर्तन रैली में नेताओं के तेवर तीखे दिखे। करण सिंह दलाल ने साफ कहा कि कांग्रेस नेतृत्व यदि हरियाणा में पार्टी की कमान हुड्डा को नहीं दे तो अलग राह अपनाई जाए। पूर्व स्पीकर रघुवीर कादियान ने एक लाइन का प्रस्ताव रखा कि हुड्डा जो भी फैसला करेंगे उसके साथ हम सभी खड़े हैं। उन्होंने जनसभा में लोगों से हाथ उठवाकर इसका समर्थन कराया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, मैं 72 साल का हो गया हूँ और रिटायर होना चाहता था, लेकिन हरियाणा की हालत देखकर संघर्ष का फैसला किया। उन्होंने कहा कि देशहित से ऊपर कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का हमारे कुछ नेताओं ने विरोध किया, यह सही नहीं था। मैंने देशहित के इस निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने कहा, मेरे परिवार की चार पीढ़ियां कांग्रेस से जुड़ी रही हैं। हमने कांग्रेस के लिए जी जान से मेहनत की, लेकिन अब कांग्रेस पहले वाली नहीं रही। धारा 370 पर कांग्रेस कुछ भटक गई, लेकिन देशभक्ति और स्वाभिमान का मैं किसी से समझौता नहीं करूंगा, इसलिए मैंने 370 हटाने का समर्थन किया। हुड्डा ने कहा, असूलों के लिए टकराना भी जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नौकरियों में पारदर्शिता के मनोहर लाल सरकार के दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नौकरियां कैसे दी जा रही हैं। एमए पास युवाओं को चपरासी की नौकरी दी जा रही है, नौकरियां बेची जा रही हैं। रैली में हुड्डा ने जमकर चुनावी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार बनी तो सबसे पहले अपराधियों का सफाया करूंगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चौपट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, इसमें भूमिहीन किसानों को भी शामिल किया जाएगा। कर्मचारी सबसे ज्यादा तकलीफ में हैं। आंगनबाड़ी आशा वर्कर का भत्ता बढ़ाया जाएगा। पंजाब के समान कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। पुरानी पेंशन लागू होगी। सातवां वेतन आयोग पूर्ण रूप से लागू होगा। 1 फरवरी 2016 से उसको HRA दिया जाएगा। जितने भी पढ़े लिखे चतुर्थ श्रेणी में भर्ती हुए हैं उन्हें क्लास बनाया जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि गरीब महिलाओं के खाते में हर महीने 2000 रुपए डाले जाएंगे। BPL परिवार को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। विवाह शगुन योजना की राशि 1 लाख रुपए की जाएगी। गरीब आदमी को 2 रुपए किलो चावल और गेहूं देंगे। फसल बीमा योजना की किस्त हरियाणा सरकार भरेगी। रोजगार के लिए ऐसी स्कीम बनाएंगे कि हर परिवार में योग्यता के आधार पर एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी योग्यता भत्ता देंगे। 75% नौकरी हरियाणा के युवाओं को मिले इसके लिए कानून बनाएंगे। हुड्डा ने कहा कि बुढ़ापा पेंशन को 5000 रुपए महीना देंगे। हरियाणा रोडवेज में महिलाओं की यात्रा फ्री करेंगे। गरीबों के लिए 4 लाख घर बनाकर देंगे। दलित बच्चों को 8वीं तक 500 रुपए, 12वीं तक 1000 व उससे ऊपर 1500 रुपए देंगे। हुड्डा ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो 4 उपमुख्यमंत्री बनाएंगे, एक OBC, एक अनुसूचित जाति, एक ब्राह्मण व एक अन्य किसी वर्ग से। उन्होंने कहा कि आज अतीत, आज हरियाणा बर्बादी की ओर है, आज किसान तबाही की ओर है और बेरोजगारी बढ़ रही है। रैली में अन्य नेताओं ने भी अपने संबोधन में कहा कि हुड्डा अब मजबूत फैसला करे, हम उसके साथ हैं। विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा कि कांग्रेस कहाँ है, कमरों में बैठे कुछ नेता कांग्रेस की दशा नहीं बदल सकते। यदि कांग्रेस की हालत सुधारना था तो भूपेंद्र हुड्डा को कमान देनी चाहिए थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज हरियाणा की राजनीतिक दौरे पर है। रैली को विधायक करण सिंह दलाल ने भी संबोधित किया। उन्होंने हरियाणा में गुटबाजी पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि हम कोई भी जनहित के मुद्दे उठाते थे, हमारी पार्टी के नेताओं ने ही इसका विरोध किया। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुखातिब होते हुए कहा, अब समय आ गया है कि हुड्डा जी आप फैसला करें। कांग्रेस आलाकमान से साफ बात करें कि वह आपके नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस को एक कर आगे की राह तय करें, अन्यथा अलग राह चुने और तय करें कि अलग पार्टी बनानी है या मंच।
किसी दल से गठजोड़ करना है इस पर फैसला करें। आपके नेतृत्व में सभी आगे बढ़ने को तैयार हैं। पूर्व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विकास की राजनीति और भाजपा की राजनीति के दौरे पर खड़ा है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की चर्चा करते हुए कि हमने देश हित को समर्थन किया, इसे हटाने का तरीका सही नहीं था लेकिन यह राष्ट्रहित में था। उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि उस समय हरियाणा नंबर वन था और अब हर क्षेत्र में पिछड़ गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में परिवर्तन के लिए बिगुल बज गया है। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के मुद्दे पर कांग्रेस के रुख पर भी इशारों में हमला किया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 370 को अस्थायी बताया था, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनुच्छेद 370 को हटाने का समर्थन कर जन भावनाओं का सम्मान किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मौलाना ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को समझना चाहिए कि हरियाणा में केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बीजेपी को सत्ता से बाहर निकाल सकते हैं। रैली में सभी नेताओं ने कहा हुड्डा जो भी फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। मंच संचालन पूर्व मंत्री गीता बुक्कल कर रही थी। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव जिलेराम शर्मा ने कहा कि हुड्डा ने हरियाणा में अभूतपूर्व कार्य किया। रैली को जयवीर वाल्मीकि ने भी संबोधित किया। कांग्रेस विधायक आनंद सिंह दागी ने कहा कि देश में जो भी परिवर्तन जनता के माध्यम से होता है, आज जितनी संख्या में लोग आए हैं वह परिवर्तन का संकेत दिया है। रैली को विधायक ललित नागर ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता अब परिवर्तन चाहती है। यह परिवर्तन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हो सकता है। हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में अगली सरकार बनानी है। रैली में हुड्डा समर्थक करीब 13 विधायक, कई पूर्व विधायक सहित हरियाणा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। रैली से पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि हुड्डा कांग्रेस से अलग राह की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। यह भी चर्चा थी कि अभी वह अलग पार्टी की जगह एक कमेटी के गठन की घोषणा कर सकते हैं। पूरे रैली स्थल पर कहीं भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का फोटो व कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नजर नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, BSN न्यूज। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।